दोस्तों, यदि आपके सामने भी अगर ऐसा समस्या आता है, नॉट एनफ स्पेस, और ऐसा करके आता है, वैसे में होता क्या है कि दोस्तों, आप ना तो कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाते हैं और ना ही कुछ और भी चीज़ें डाउनलोड कर पाते हैं, जैसे वीडियो, म्यूजिक वगैरह कुछ भी। यहाँ पर आपको लिख आता है नॉट एनफ स्पेस, और आप जब भी प्ले स्टोर पर जाते हैं कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने, तो पेंडिंग ही दिखाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में कैसा तरीका बताने वाला हूँ, दो तरीका आपको बताऊँगा जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम का सलूशन बिल्कुल आसानी से चंद सेकंड में आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको फ़ोटो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एप्लीकेशन डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इस समस्या से आप छुटकारा पा पाएंगे और आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं ना ये सब कैसे होगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखना और इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप इनको इस वीडियो को अगर शेयर करोगे तो उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा, उनका भला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इस पर क्लिक करके वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, और पहली बार चैनल पर आया तो यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल कलर से बटन पर, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बगल में आया हुआ छोटा सा बिल्कुल घंटी होगा, इसको आप जरूर दबाएं। इसको दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यहाँ पर ऑल पर क्लिक करना है, आपको ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर कमेंट करना है नाइस ट्रिक, मोबाइल ट्रिक, आपको जो लिखना है वो लिखकर आपको यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। इस कमेंट को मैं पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा और आपसे मैसेज करूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा काम करना है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, ये सब आपके मोबाइल के सेटिंग में ही सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपको नहीं पता होता है। आप मोबाइल यूज करते हैं लेकिन आपके मोबाइल में ही सब कुछ होता है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर नीचे आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 32 GB यहाँ पर है मेरा मेमोरी सब चीज़, और यहाँ पे अवेलेबल है 10, यानी कि हमने यूज करा है 22, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन इतने GB का है, पिक्चर इतने का है, वीडियो सब कुछ। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे कैश डाटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश डाटा। ये कैश डाटा पता है बिल्कुल फालतू होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, ये बिल्कुल बकवास होता है। इसका किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर का कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए 1.5 GB जो कि ले रखा है। जैसे मैं इसको क्लियर करूँगा, कैसे इस कैश को क्लियर करने से आपका कोई फ़ोटो, वीडियो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। जैसे मैं इसको कैश को अगर डिलीट करूँगा, यहाँ पर 1.5 GB बढ़ जाएगा। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्लियर कर दिया। आप देखिए यहाँ 10.78 है ना। अब मैं यहाँ फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर फिर से जाता हूँ स्टोरेज में, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेटर, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 12.14, यानी कि 1.35 GB जो कि यहाँ पर स्टोरेज मेरी बढ़ गई, जिससे आपकी स्टोरेज वाली प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी 1 सेकेंड में। अब आपको दूसरा यहाँ पर मैं चीज़ बताता हूँ, दूसरा क्या है आपको करना है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना है। आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर कहाँ है, तो आपको यहाँ के फाइल मैनेजर में आप चले जाना है, ठीक है। आपको फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए APK का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये सब सारे जितने भी APK है ना, यहाँ पे जितने भी आपने डाउनलोड कर रखा है सब चीज़ें, आपको सारे को सेलेक्ट करके यहाँ से सबको यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए सबको सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है। दोस्तों, आपको यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट करने से आपका कोई भी एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से मैं सब चीज़ डिलीट करूँगा तो मेरा सारा एप्लीकेशन, मेरा सारा डिटेल जो कि डिलीट हो जाएगा, कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा। देखिए मैंने सारा डिलीट कर दिया, यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर उसको आपने डिलीट कर दिया है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टोरेज है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। आपकी स्टोरेज जो कि देखिए यहाँ पर बढ़ गई, देखिए 12.63 हो गया, यानी कि यहाँ पे देखिए करीब 0.5 GB जो कि आपका स्टोरेज बढ़ गया। तो दोस्तों, ये सब फालतू स्टोरेज जो होते हैं जो आपके मोबाइल में पड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये दो तरीका था जिससे आप अपने स्टोरेज जो कि बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।